हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ सूडोफेकिया। तो सूडोफेकिया में क्या क्या साइन दिखता है जब डॉक्टर या एग्जामिनर एग्जामिन करते हैं तब? तो सबसे पहले दिखता है सर्जिकल स्कार में बी सीन इन नियर द लिम्बस। क्या दिखता है? सर्जिकल स्कार दिखता है लिम्बस के नज़दीक। ये दिखता क्यों है? जब आईवल इम्प्लांट करने लगते हैं उस टाइम एक कट लगाते हैं लिम्बस के सामने, ठीक है, जिसको बोलते हैं टनल बनाते हैं, वहीं से इंजेक्ट करते हैं आईवल को, ठीक है, उसका एक स्कार दिखता है। दूसरा क्या है? एंटीरियर चेंबर इज स्लाइटली डीपर देन द नॉर्मल। क्या होता है? एंटीरियर चेंबर होता है वो स्लाइटली डीप दिखता है नॉर्मल से, ठीक है। तीसरा क्या है? माइल्ड आयरिडोडोनोसिस जो होता है आयरिस, वो क्या होता है? थोड़ा बहुत हिलता हुआ दिखता है, ठीक है। और चौथा क्या है? परकिंजे इमेज टेस्ट शो फोर इमेजेस। और जो परकिंजे इमेज होता है वो कितना इमेज शो करता है? चार इमेज, ठीक है, दो कॉर्निया का करता है और दो लेंस का करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पांचवा, प्यूपिल इज ब्लैकिश इन कलर बट वेन लाइट इज थ्रोन इन द प्यूपिलरी एरिया शाइनिंग रिफ्लेक्स आर ऑब्जर्व। क्या प्यूपिल कैसा दिखेगा? कलर में ब्लैकिश कलर दिखेगा, ठीक है, लेकिन जब उसमें लाइट थ्रो करेंगे, लाइट दिखाएंगे, लाइट से जब उसको चेकअप करेंगे तो उसका प्यूपिलरी एरिया कैसा दिखेगा? एकदम शाइनिंग दिखेगा, चमकता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छठा, प्रेजेंस ऑफ आईवेल इज कन्फर्म्ड ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन आफ्टर डायलेटिंग द प्यूपिल। जब प्यूपिल को हम लोग डायलेट करेंगे तो हम लोग स्लिट लैम्प में एग्जामिन कर सकते हैं आईवेल को, ठीक है, उसमें प्रेजेंस है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सातवां, विजुअल स्टेटस एंड रिफ्रैक्शन विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ आईवेल। जो विजुअल स्टेटस और रिफ्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? आईवेल किस टाइप का डाले हैं, कितना पावर का डालेंगे उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।